गुड मॉर्निंग हिमाचल। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। पुलिस के 120 आवास निर्माण को 50 करोड़ मंजूर, पहली किश्त जारी। G20 सम्मेलन में छाया हिमाचल, समृद्ध विरासत और संस्कृति मोह रही सबका मन। हिमाचल में गर्मी से मिली राहत, अगले 4 दिन तक बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मचारियों के लिए 120 सरकारी आवास बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार ने मंजूर कर दिए हैं। इस राशि में से 25 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। ऐसे में अब पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास तैयार किए जा सकेंगे। ये आवास बिलासपुर, ऊना, सिरमौर और कांगड़ा में बनेंगे। ऐसे में पुलिस कर्मचारियों को आवासों की कमी से कुछ निजात मिलेगी। 120 सरकारी आवासों में टाइप 3 के 36 आवास और टाइप 2 के 84 आवासों का निर्माण किया जाएगा। आवासों की कमी के कारण पुलिस कर्मचारियों को निजी तौर पर महंगे किराए पर आवास लेने पड़ रहे हैं। आवासों के लिए लंबी कतारें हैं, लेकिन नंबर नहीं आ रहा है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मंजूर की गई है। राजधानी दिल्ली में चल रहे G20 सम्मेलन में विश्व भर के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इस महासम्मेलन में हिमाचल प्रदेश की समृद्ध विरासत और प्राकृतिक वैभव का प्रतीक कुलदीप भेंस प्रतिष्ठित G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी दे रहा है। सम्मेलन में हिमाचल की जीवंत विरासत, प्राकृतिक रंग उत्पादों और पारंपरिक शिल्प को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। हिमाचल सरकार और हिमाचल हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड के सहयोगात्मक प्रयासों के तहत डिजाइन सलाहकार अक्षिता शर्मा के निर्देशन में कुल्लवी भिल्स देशी ऊन से बने वस्त्रों का अपना संग्रह इस G20 महासम्मेलन में प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अनूठा संग्रह विरासत की बुनाई को समकालीन डिजाइनों के साथ सहजता से जोड़ता है, जो ऊन मूल्य श्रृंखला और हिमाचल प्रदेश की शिल्प कौशल का व्यापक प्रदर्शन पेश करता है। इस संस्था के सह संस्थापक भृगु आचार्य और निशा सुब्रमण्यम ने बताया, वे अपने उत्पादों को G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन में केंद्र स्तर पर ले जाने पर अत्यधिक गर्व और खुशी महसूस कर रहे हैं। बादलों और वर्षा के कारण प्रदेश में 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। धौलाकुआं में 23 मिलीमीटर जबकि चौपाल में 3.5 मिलीमीटर व धर्मशाला में भी बारिश दर्ज की गई है। इसके कारण प्रदेश में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट ऊना में 4.2, धौलाकुआं में 3.9, शिमला में 3.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को सुबह से ही प्रदेश के कई स्थानों पर बादल छाए रहे, जबकि कुछ स्थानों पर धूप खिली रही। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ स्थानों पर बादलों के साथ धूप खिले रहने का अनुमान है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका, गोल्डन चांस फॉर ऑनलाइन ऑडिशंस, अप्लाई नाउ। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। गुड मॉर्निंग हिमाचल में अभी तक के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अपने अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।